एनसीपी के नेता नवाब मलिक को ईडी की टीम ने लिया अपनी हिरासत में। मैं हूं आरिफ अजीज और आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। आपको ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। ये पूरा मामला अवैध जमीन का यानी मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ईडी की टीम ने अपनी हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान ईडी की टीम को कुछ ऐसा मिला जिसके कनेक्शन नवाब मलिक से हो सकते थे। तो आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंचती है और उन्हें यह कहती है सारी कार्रवाई में वो अपना पूरा पूरा सहयोग दे। जिसके बाद नवाब मलिक अपनी खुद की गाड़ी में बैठ के ईडी के ऑफिस पहुंचते हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम नवाब मलिक को अपनी हिरासत में ले लेती है। आपको बता दें, अवैध जमीन के मामले को लेकर कुछ दिन पहले देवेंद्र फर्नांडिस ने भी आवाज उठाई थी, जिसके बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दस्तावेज सामने रखे थे। नवाब मलिक को हिरासत में लेते ही नवाब मलिक के समर्थक जो ईडी के ऑफिस के बाहर खड़े थे, उन्होंने वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी। आपको दिखा देते हैं वीडियो पूरा। आपको बता दें, ईडी के ऑफिस से बाहर निकलते ही नवाब मलिक ने फिल्मी स्टाइल में यह कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। नवाब मलिक के इस तेवर से यह नजर आ रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हर कार्रवाई के लिए तैयार हूं। आपको दिखा दें वीडियो। आपको ये बता दे, दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर अभी भी ईडी की कस्टडी में है और ये अनुमान लगाया जा रहा है अगर नवाब मलिक की कस्टडी ईडी को मिलती है तो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को और नवाब मलिक को आमने सामने बिठा कर भी पूछताछ की जा सकती है। तो अब देखना यह है कि ये अवैध जमीन के मामले में और कितने मंत्रियों को उठाया जाता है या उनसे पूछताछ की जाती है। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरिफ अजीज मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।